अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को पहले सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक जल्द से जल्द पहुँच जाए और अपने दोस्तों में शेयर करें। अब मैं शुरू करने जा रही हूँ आज का वीडियो। आज का वीडियो है तंगदस्ती। दोस्तों, अगर आप अपने आमने सामने निगाह करते हैं तो बहुत से लोग तंग दस्ती में नज़र आते हैं और तंग दस्ती का शिकवा करते हैं, और उन लोग को अपनी माली परेशानियां भी होती है, उनकी अपनी कोताही भी रहती है, जिनकी वजह से ये सूरत हाल उन पर नाजिल होती है। और कभी अल्लाह ताला भी इंसान का इम्तिहान लेते हैं, लेकिन इंसान को कैसे पता चले कि अल्लाह के तरफ से ये दिया हुआ एक इम्तिहान है या फिर इंसान की अपनी गलतियां हैं और अपनी कोताही है, जिनकी वजह से उन शख्स पर तंगदस्ती का आलम हो। तो यही सुनने को मिलता है कि हमारे घर को किसी की नज़र लग गई है और हमारे घर में बेबरकती तारी हो गई है, हमारा काम होते होते रह जाता है या हमारी रिस्क के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। एक शख्स हज़रत रज़ी अल्लाह अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और उनसे दरियाफ्त करने लगा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, इंसान की ज़िंदगी में तंग दस्ती क्यों आती है? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब उनका ये सवाल सुना तो कहा, ऐ शख्स, एक बात याद रखना, तो तंगदस्ती आने की भी वजह होती होगी, और जो अल्लाह से दूर हो जाता है तो उन पर अल्लाह का अजाब हो जाता है। हुजूर पाक ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ताला से फरमाया कि अच्छी चीज़ों की कदर किया करो और खाने की चीज़ों को कभी बेकार जाने मत दो। रिस्क में कमी की बहुत सारी वजह है, वजह यह है अल्लाह की दी हुई हर चीज़ की कदर किया करो। तंगदस्ती में खाने खाते वक्त हाथ का ना धोना भी एक वजह है, इसी तरह अंधेरे में खाना खाना भी एक वजह बन सकती है, बिस्तर पर बगैर दस्तरखान पर खाना खाना, जिस बर्तन में खाओ उसी में हाथ को धोना भी वजह बन सकती है तंगदस्ती की, या टूटे हुए बर्तन में खाना खाना, रात में झाड़ू लगाना, बीच दरवाजे पर बैठकर खाना खाना, घर में मकड़ी के जाले को साफ ना करना और टूटी हुई कंघी का इस्तेमाल करना, नमाज में सुस्ती करना, झूठ बोलना, कपड़े खड़े खड़े पहनना, अपनी औलाद यानी बच्चों को बददुआ देना, अमूमन औरतें अपने बच्चों को बददुआएं देती हैं, फिर तंगदस्ती के रोने भी रोती है। अल्लाह के इन नेमतों का इंसान को शुक्र अदा करना चाहिए, और जो लोग अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करते हैं उनका रिस्क भी कम हो जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दे। मैं मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी, और हमारे चैनल को पूरा पूरा सपोर्ट करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।